उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के राज्य में जंगलों की आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट बता दे, जहां जंगलों की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो गई। वही अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में जंगलों की आग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से कह वही 7 महीने में आग लगने की 998 घटनाएं हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जो उत्तराखंड में जंगलों की आग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वही जंगलों की आग में झुलसने से आपको बता दें 5 लोगों की मौत हो गई है। वही अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हो चुके हैं, जहां 7 महीने में आग लगने की 998 घटनाएं भी हो चुकी है। हम आपको बता दें, उत्तराखंड में जंगलों की आग मामले में बुधवार 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हो चुके हैं। वही आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। इसमें गढ़वाल मंडल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी ज्यादा प्रभावित है और देहरादून का कुछ हिस्सा भी शामिल है। वही आपको बता दें, कुमाऊं मंडल का नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ज्यादा प्रभावित इलाका है। हम आपको बता दें, जहां जंगलों की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पिछले साल नवंबर से अब तक जंगलों में आग लगने की 998 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जो उत्तराखंड में जंगलों की आग के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में जंगलों की आग